बचते हैं। तो पहली नंबर पे आती है हमारी कॉमन कार्प। दोस्तों कॉमन कार्प विदेशी कार्प है जिसे आप ग्रास कार्प सिल्वर कार्प के साथ पालन करते हैं। कॉमन कार्प निचले सतह पे विचरण करने वाली मछलियां हैं, निचले सतह पे ही अपना भोजन ग्रहण करती है। दोस्तों कॉमन कार्प वर्ष भर प्रजनन करती रहती है, लेकिन इसका प्रजनन काल जनवरी से मार्च तक है और जुलाई से अगस्त तक के बीच में यह प्रजनन करती है नेचुरली हमारे तालाब में। लेकिन बहुत ही कम बच्चा इसका भी बचता है, जैसे कि 1 लाख अंडे दिए तो उसमें से 5,000-10,000 ही बच्चे बचते हैं। दोस्तों अगर कॉमन कार्प तालाब में बच्चे देती है तो उसके लिए तालाब के अंदर जलीय पौधे का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब ये अंडे देती है तो इनके अंडे उन पौधों के पत्ते पर, डंठलों पर, तना पर चिपकता है, जहां वह बाद में जाकर बच्चे बनते हैं। अगर जमीन पर चिपक गई तो वह फिर बच्चे नहीं बनेंगे। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है हमारी तिलापिया मछली। तिलापिया दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पाली जाने वाली मछली है कार्प्स के बाद। तिलापिया नेचुरल पॉन्ड में प्राकृतिक तालाबों में बहुत ही तेजी से बढ़ती है। आप इसका पालन बहुत ही छोटे से तालाब में या छोटे से टैंक में इसका पालन आप कर सकते हैं। सीमेंट टैंक में भी इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों यह वर्ष भर में 2 बार प्रजनन करती है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन कार्प भी वर्ष भर में सालों भर प्रजनन करती है, लेकिन जनवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त के बीच में ये भी प्रजनन करती है। और यह बहुत ही कम एज से ही, बहुत ही कम उम्र से ही प्रजनन करने लगती है। यह अपने अंडे को मुंह में रखने के लिए जानी जाती है। दोस्तों गर्म स्थान पर यह ज़्यादा संख्या में अंडे देती है, लेकिन ऐसा जगह जो कि इसके अनुकूल नहीं है वहाँ ये अंडे नहीं देती है। दोस्तों अंडे देने पर तीसरे स्थान पर आती है हमारी मुड़ेल मछली, जिसे आप सोल, गरई और स्नेक हेड के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों यह एक कैटफिश है जो नेचुरल तालाब में बहुत ही आसानी से अंडे देती है। मुड़ेल का फार्मिंग किसान भाई बहुत ही तेजी से करते हैं, बहुत ही तेजी से इसका पालन हमारे देश में बढ़ रहा है, क्योंकि इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। 1 साल की पालन में मुड़ेल मछली लगभग 400 ग्राम से 600 ग्राम 800 ग्राम तक की हो जाती है। दोस्तों अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, 1 kg का मुड़ेल होता है, तो वह बाजार में उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मुड़ेल मछली आराम से सेल हो जाता है 1 kg का। दोस्तों इसका पालन आप छोटे से तालाब में भी कर सकते हैं, या सीमेंट टैंक बनाकर भी छोटे किसान इसका पालन कर सकते हैं जिनके पास जमीन की कमी। दोस्तों मुड़ेल मछली के बच्चे को आप तालाब में बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। यह एक ग्रुप में रहती है, जिसे आप छावा भी बोलते हैं। एक ग्रुप बनाकर रहती है, जैसे बॉल की तरह रहती है ग्रुप में, और एक ग्रुप में लगभग 1,000 के आसपास बच्चे होते हैं। दोस्तों जब आप इसके बच्चे को गौर से अपने हाथ में लेकर देखेंगे तो यह मेंढक के छोटे बच्चे की तरह, मतलब मेंढक के छोटे बच्चे की तरह दिखती है। दोस्तों आगे जाकर मुड़ेल मछली का 1,000 बच्चों में से लगभग 100-200 बच्चे ही बचते हैं। और कुछ मछलियों के बारे में बात करें जो तालाब में बच्चे देती है, उनमें से है डेढ़वा। डेढ़वा मछली, जिसे आप आम भाषा में डेढ़वा नाम से जानते हैं, ये हो गई। फिर से पोठिया हो गई, पोठी मछली, छोटी मछली भी जिसे आप कहते हैं, ये भी वर्ष भर में 2 बार बच्चे देती है, खासकर मानसून के सीजन में। फिर धवाई मछली हो गई, जिसे आप आम भाषा में धवाई बोलते हैं, यह भी वर्ष भर में 2 बार अंडे देती है, लाखों की संख्या में अंडे देती है, लेकिन बहुत ही कम इनके बच्चे बच पाते हैं धवाई। दोस्तों अब बड़े तालाब की बात करें, बड़े तालाब या बहती हुई पानी में, फ्लोइंग वाटर में, यानी जिसमें करंट है, जिस पानी में जो पानी बह रही है कंटिन्यू, ऐसा अगर तालाब है आपका, तो उसमें बहुत ही आसानी से सिंगी मछली हो गया, चीतल मछली हो गया, लापची मछली हो गया, टेंगरा हो गया, ये सब, और कॉमन कार्प, तिलापिया, सोल, गरई, सब भी बच्चे दे देते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा तालाब है, जैसे 10 एकड़ का, तो उसमें टेंगरा, सिंगी, लापची, चीतल, ये सब भी बहुत ही आसानी से बच्चे दे देती हैं। लेकिन ये सब सिंगी, लापची, टेंगरा, चीतल, ये सब छोटे तालाब में बच्चे नहीं देती है। लेकिन अगर आपके तालाब में देती है तो वह अलग बात है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने जाना कि तालाब में कौन कौन सी मछलियाँ बच्चे देती है, और कुछ जानकारी उन मछलियों के भी बारे में। आज के वीडियो में मैंने कॉमन कार्प, तिलापिया, मुड़ेल, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं चीतल मछली के बारे में वीडियो लाऊंगा, तिलापिया के बारे में, टेंगरा मछली के बारे में, और सिंगी मछली का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से भी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये सब कुछ मछलियाँ थी जो तालाब में बच्चे देती है। और किसान भाइयों, अगर आप में से